उसी खबर है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक कल है, सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट की बैठक। लोकभवन में होगी यूपी कैबिनेट की बैठक। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताते हैं, कल सुबह 11 बजे से योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक को लेकर पूरी तैयारी है, लोकभवन में होगी यूपी कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी जानकारी, कल सुबह 11 बजे से लोकभवन में बैठक का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ से उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक कल सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट की बैठक। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। निकिता, कल बैठक होने वाली है 11 बजे, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट की बैठक है वो मंगलवार यानी कल लोकभवन में होगी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेजेंस में होने वाली इस बैठक में 20 से अधिक जो प्रपोजल्स हैं, प्रस्ताव है, उसको मंजूरी मिल सकती है। ऐसे में लॉजिस्टिक पॉलिसी में संशोधन किया जाएगा और साथ ही लॉजिस्टिक कंपनी में ज्यादा क्षेत्र में जो लॉजिस्टिक सेंटर है उसको बनाने की मंजूरी भी दी जा सकती है। और साथ ही आपको बताते चले कि स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग की जो नई नियमावली है उसको भी मंजूरी दिलाई जा सकती है। और साथ ही किराएदार का जो लौटा रेंट है उस पे काम करने पर जो फैसला है वो भी जो फैसला है वो भी हो सकता है। किराएदार का जो लीज रेंट है, आपको बता दें जो लीज रेंट है उसके जो रेट है उसको कम करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही इसके अलावा जो लैंड पूल पॉलिसी है उस पर भी फैसला हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 20 से ज्यादा प्रपोजल्स जो प्रस्ताव है उस पर मोहर लग सकती है, जिसमें जो मेन मुद्दे हैं लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर के, उसमें रेक्टिफिकेशन किए जाएंगे, लॉजिस्टिक कंपनी में ज्यादा क्षेत्र में लॉजिस्टिक सेंटर बनाने पर मंजूरी, और साथ ही साथ जो किराएदार का लीज रेंज कम करने पर फैसला हो सकता है, और इसके अलावा लैंड पूल पॉलिसी पर भी फैसला लिया जा सकता है। चलिए निकिता, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में